दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पोकर को बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही जल्दी से। तो यदि आपको पोकर गेम बिल्कुल नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है या आप बार बार उनके सीक्वेंस में कंफ्यूज होते हैं तो इस वीडियो को देखिए और इस गेम के बारे में पूरा और अच्छे तरीके समझिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो आज हम बना रहे हैं पोकर का गेम जो कि एक कैसीनो गेम है। इसे पार्टीज वगैरह में भी खेला जाता है। दोस्तों इस गेम में हम बार बार सीक्वेंस भूल जाते हैं या फिर हमें ये समझने में दिक्कत आती है कि कौन प्लेयर जीता है, कौन प्लेयर हारा है, कि किसका सीक्वेंस बड़ा है और किसका सीक्वेंस छोटा है। तो इसके लिए हमने ये एक टेबल बनाई है। इसके अंदर टोटल 10 सीक्वेंस होते हैं। जो सबसे ऊपर हमने जमाया है वो सबसे छोटा इसके अंदर हैंड माना जाता है और जो सबसे हमने लास्ट में जमाया है इसे रॉयल फ्लश कहते हैं। यानी अगर ये किसी के पास है या फिर ये किसी का कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो गेम के अंदर 100% जीतने वाला है। इस गेम के अंदर सभी प्लेयर्स को दो दो पत्ते मिलते हैं। एक मिडिल होता है जिसके अंदर 5 पत्ते रखे जाते हैं। तो टोटल 7 पत्तों के अंदर से उन्हें अपना बेस्ट 5 बनाना होता है। तो जैसे कि हमने हर कॉम्बिनेशन के अंदर बनाने की कोशिश की है कि 5 पत्तों का एक एक सेट है, चाहे हमारे उसके अंदर से एक ही पत्ता काम आ रहा हो लेकिन हमने लिए पूरे 5-5 पत्ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले की, जो सबसे पहला हैंड है इसके से बोलते हैं हाई कार्ड। तो जिस प्लेयर के पास में सबसे बड़ा पत्ता होता है बेस्ट 5 के अंदर वही गेम को जीतता है। तो जो 4 पत्ते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इनको बंद कर दिया है। और जिसके पास में बड़ा पत्ता होगा, चाहे कोई भी हो, बादशाह, बेगम, गुल्ला, तो जिस भी प्लेयर के पास होगा वो गेम जीतेगा। इससे बड़ा आता है एक पेयर, तो उसके 7 पत्तों में से अगर उसका एक पेयर बन रहा है और किसी का कुछ भी नहीं बन रहा है तो पेयर वाला जीतेगा। फिर पेयर के बाद आता है यदि किसी प्लेयर के 5 पत्तों के अंदर से 2 पेयर बन रहे हैं। फिर उसके बाद आता है 3 ऑफ ए काइंड, मतलब उसके पास में जैसे 3 छक्की हो, 3 पंजी हो, इस तरीके से उसका कुछ बन रहा हो। फिर उसके बाद आता है प्लेयर का 5 पत्तों में से एक तो पेयर बन रहा है, जैसे इसके अंदर 2 का बन रहा है, और एक उसका 3 ऑफ ए काइंड बन रहा है। फिर बात आती है स्ट्रेट की, प्लेयर का स्ट्रेट बन रहा होता है, मतलब एक सीक्वेंस बन रहा होता है, जैसे इसमें बन रहा है नौला, धैला, गुल्ला, बेगम, बादशाह, चाहे वो किसी भी सूट के हो, किसी भी कलर के हो, लेकिन वो एक सीक्वेंस में हो, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट। फिर बारी आती है फ्लश की। फ्लश का मतलब ये होता है कि एक ही सूट के पत्ते होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि इसके अंदर हुक्म के सारे पत्ते हैं और उसके सीक्वेंस वगैरह से कोई मायने नहीं रखते हैं। और फिर उसके बाद आता है 4 ऑफ ए काइंड, मतलब उसके पास में 4 पत्ते एक जैसे हो, जैसे इसके अंदर 8 है और ये कुछ भी हो सकता है, 8, नैला, धैला, लेकिन होने चारों एक जैसे चाहिए। फिर बारी आती है स्ट्रेट फ्लश की। इसके अंदर आपके पास में 5 पत्ते एक ही सूट के होने चाहिए और उसके एक सीक्वेंस भी होना चाहिए, जैसे इसमें होता है तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, तो ये कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 भी हो सकते हैं। सबसे अच्छे पत्ते इन्हें बोलते हैं हम रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लश क्यों बोलते हैं? फ्लश का मतलब तो ये सेम सूट का होना चाहिए, रॉयल का मतलब ये सीक्वेंस में भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो सबसे बड़े पत्ते इसके अंदर ये होते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, गुल्ला, धैला, ये किसी भी सूट के हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं हम रॉयल फ्लश। यदि दोनों प्लेयर्स के पास में सेम पत्ते हों, उसके पास भी एक पेयर हो और उसके पास भी एक पेयर हो, अगर पेयर छोटा बड़ा है जब, तो बड़ा वाला पेयर वाला जीत जाएगा। जैसे किसी प्लेयर का बन रहा है 9 का पेयर और दूसरे का बन रहा है 11 का पेयर, तो 11 का पेयर वाला जीत जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें कि दोनों के ही 9 के पेयर बन रहे हैं, एक प्लेयर के भी 9 के बन रहे हैं और दूसरे प्लेयर के भी 9 के ही बन रहे हैं, तो फिर जो हम जो मनी होती है वो आधी आधी बट जाती है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर पत्ते कैसे बांटे जाते हैं और किस किस जगह पे बैट अमाउंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम सब पत्तों को हम मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी आप एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस गेम को 2 से लेकर 9 प्लेयर तक खेल सकते हैं। ये हम ज़्यादा प्लेयर है, प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं, तो हम इसके अंदर एक डीलर भी बना सकते हैं। ये गेम 3 पत्ती की तरह ही होता है, लेकिन 3 पत्ती में जब हम पत्ते बांटते हैं तो सभी प्लेयर्स को टोकन मनी लगानी होती है। लेकिन इस गेम के अंदर सभी प्लेयर्स को शुरू में टोकन मनी लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 प्लेयर्स को लगानी होती है। एक को बोलते हैं स्मॉल ब्लाइंड और दूसरे को बोलते हैं बिग ब्लाइंड। उनको ही अपनी अमाउंट लगानी होती है। और ब्लाइंड का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने पत्ते नहीं देख सकते, लेकिन उन दोनों को अपनी जो अमाउंट है वो लगानी ही पड़ेगी शुरू में, बाकी प्लेयर्स को लगाना जरूरी नहीं होता है। तो इस गेम के अंदर डीलर सिर्फ गेम खिलाता है, वो कोई अमाउंट ना तो लगाएगा और ना ही कोई जीतने वाला है। तो इस गेम के अंदर शुरू में ही एक प्लेयर स्मॉल ब्लाइंड और दूसरा बिग ब्लाइंड बन जाता है और ये सर्कुलेट होता रहता है पूरे गेम के अंदर। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले प्लेयर 1 स्मॉल ब्लाइंड है, तो उसने एक चिप्स लगाई, तो बिग ब्लाइंड को जस्ट उससे डबल लगानी पड़ेगी और अमाउंट है जो अब वो डबल डबल हो गया है। लेकिन पहले सभी प्लेयर्स को पत्ते मिलने वाले हैं, तो इसके लिए डीलर शफल करेगा पत्तों को। तो हम देख रहे हैं कि जो इनिशिएट रहता है वो सिर्फ इन्हीं तीनों का रहने वाला है। प्लेयर्स को एक एक पत्ते बांटने हैं, तो सभी प्लेयर्स को एक एक पत्ते दे देगा।
फिर एक पत्ते और, सभी प्लेयर्स अपने अपने पत्तों को देख सकते हैं। शुरू में प्लेयर के पास में तीन ऑप्शन होते हैं, या तो वो कॉल कर सकता है, कॉल मतलब जैसे अब बारी चल रही है दो की, तो उसे दो लगाने पड़ेंगे और वो गेम में बना रहेगा। ऐसे ही इस प्लेयर को भी यदि लगता है तो वो कॉल कर सकता है, नहीं तो वो रेज कर सकता है, चाहे तो वो चार तीन कुछ भी लगा सकता है इससे ज़्यादा, और या फिर प्लेयर फोल्ड कर सकता है। यदि प्लेयर को लगे मेरे पास अच्छे पत्ते नहीं है तो वो फोल्ड कर सकता है बिना कोई चिप्स लगाए हुए। तो लेकिन प्लेयर को लग रहा है उसके पास में अच्छे पत्ते हैं, पेयर आया है उसके पास, तो वो इसको रेज कर देता है। अब उसने तीन कर दिया, तो सभी प्लेयर्स को अब तीन तीन लगानी पड़ेगी तभी पत्ते मिलते हैं। इस टेबल पर एक्टिव सभी प्लेयर्स बराबर अमाउंट नहीं लगा देंगे तब तक गेम आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब चिप्स हो गई हैं तीन की, तो जिस भी प्लेयर को खेलना है उसे तीन तीन चिप्स अपनी इसमें लगानी पड़ेंगी। प्लेयर वन को लग रहा है कि उसके पास अच्छे पत्ते नहीं आए तो वो फोल्ड कर देगा, और फोल्ड करने के बाद में उसके पत्ते हट जाएंगे और उसकी जो एक चिप्स है वो बीच में पॉट में ही रह जाएगी। सभी प्लेयर्स को तीन तीन चिप्स लगानी होंगी। तो अब सभी ने बराबर अमाउंट लगा दिया है, तो ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ये बीच में चला गया है पॉट में, और अब आगे के जो पत्ते हैं वो मिलने वाले हैं। आगे के पत्ते बीच में रखे जाएंगे, इनको कम्युनिटी कार्ड कहते हैं। तो शुरू में तीन पत्ते एक साथ खुलेंगे, तो लास्ट बैट जिसने बढ़ाई थी गेम वहीं से स्टार्ट होगा। तो प्लेयर फोर ने बढ़ाई थी लास्ट बैट। प्लेयर के पास में तीन ऑप्शन होते हैं, या तो वो चेक करे, या वो बैट करे, या फिर वो फोल्ड कर दे। तो चेक का मतलब तो ये होता है कि अब वो बिना कोई अमाउंट लगाए कह दे कि हाँ आप आगे बढ़ो। प्लेयर का जो है फोर का वो थ्री ऑफ ए काइंड बन रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं दो फोर इसके पास है और एक फोर यहाँ पे है, तो उसको लग रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छे पत्ते हैं, तो इसलिए वो इसके अंदर बैट लगाता है। बैट मान लेते हैं हम उसने दो की लगा दी, तो अब प्लेयर्स को भी दो दो लगाने पड़ेंगे। लेकिन प्लेयर टू को लग रहा है कि मेरे पास भी बहुत अच्छे पत्ते हैं तो मैं भी गेम में रुकूंगा। जितने का उसका अमाउंट है उतना ही उसने अमाउंट लगा दिया और गेम में बना रहा। प्लेयर थ्री को लग रहा है कि उसके पास कोई खास पत्ते नहीं है, वो गेम में बना रहना चाहता है, इसलिए उसने अपने दो चिप्स डाल दिए हैं। प्लेयर्स ने बराबर चिप्स डाल दिए तो अब चौथा पत्ता भी खुल जाएगा। प्लेयर्स को लग रहा है कि अब उनका कुछ पत्तों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लास्ट बैट प्लेयर फोर नहीं लगाई थी, प्लेयर फोर ही दोबारा से शुरू करेगा बैट लगाना। फोर सिर्फ चेक बोलता है, चेक का मतलब ये होता है कि उसे कोई अमाउंट नहीं लगाना, लेकिन वो आगे इसको खिसका देता है। प्लेयर टू भी चेक बोल सकता है और प्लेयर थ्री भी चेक बोल सकता है। तो तीनों प्लेयर ने बिना कोई चिप्स लगाए चेक बोल दिया और गेम आगे की तरफ बढ़ गया है। अब डीलर एक और पत्ता खोलेगा जो उसका आखिर पत्ता है पांचवा, तो उसने पांचवा पत्ता खोल दिया है अपना। प्लेयर फोर पे ही आके रुकी थी, तो प्लेयर फोर ही दोबारा से बैट लगाएगा। तो प्लेयर फोर इसके अंदर क्या करता है, उसको लग रहा है कि उसका थ्री ऑफ ए काइंड बन रहा है, बहुत अच्छे पत्ते बन रहे हैं, तो वो इसके अंदर ये चार चिप्स लगा देता है। अब प्लेयर टू को भी पता है कि मेरे पास बहुत अच्छे पत्ते हैं, तो वो भी इसके अंदर चार लगा देता है। प्लेयर थ्री को लग रहा है कि मेरे पास अच्छे पत्ते नहीं है, इसलिए प्लेयर थ्री अपने पत्तों को फोल्ड कर देता है। फोल्ड का मतलब उसका जो अमाउंट चला गया वो चला गया और ये पत्ते उसने डीलर को दे दिए और वो गेम में से निकल गया है। अब ये जितना भी अमाउंट है ये सारा का सारा पॉट में आ जाएगा और प्लेयर्स को अपने अपने पत्ते शो करवाने होंगे। तो सबसे पहले प्लेयर फोर शो करवाएगा, प्लेयर फोर ने अपने पत्ते शो किए तो उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस पत्ते को मिला के तीन चार का बन रहा है और दो पत्ते वो कोई भी बंद कर सकता है। इसने पांच पत्ते ले लिए हैं और इन पांच पत्तों में से उसने तीन यूज करते हुए थ्री ऑफ ए काइंड बनाया है। लेकिन जब प्लेयर टू अपने कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो पांच ईट के पत्ते लेता है, तो तीन तो उसके ये रहे और दो उसने इसमें से ले लिए हैं, तो इसके पास पांचों ईट के पत्ते हैं, तो इसका मतलब उसने बना लिया है फ्लश। तो गेम को प्लेयर टू जीता है, तो जितना भी ये अमाउंट होगा ये सारा का सारा प्लेयर टू के पास चला जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गेम, यदि गेम आया हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख दीजिएगा। चाहते हो कि किसी दोस्त के साथ ऐसा गेम खेलना तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।